नमस्कार, मैं हूं भावना और आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल राज्य से जुड़ी खबरें। बांग्लादेश के सांसद अनवरुल अजीम की लाश कोलकाता के न्यू टाउन इलाके के एक आवास से बरामद की गई। अनवरुल की हत्या को लेकर अभी भी सटीक खुलासा नहीं हो सका है। इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। सांसद अनवरुल अजीम इलाज के लिए 12 मई को कोलकाता आए थे और उसके बाद से लापता थे। जांच में जुटी है CID। कोलकाता हाईकोर्ट ने फिर राज्य सरकार को दिया जबरदस्त झटका। वर्ष 2011 में सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा जारी सभी OBC सर्टिफिकेट्स को अवैध घोषित किया गया है। लगभग 5 लाख से अधिक OBC सर्टिफिकेट धारक आएंगे इस आदेश के दायरे में। मुख्यमंत्री ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की चेतावनी दी है। छठे एवं सातवें चरण के मतदान के लिए पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। पूर्व मेदिनीपुर जिले के भूपतिनगर में कांथी लोकसभा केंद्र के BJP प्रत्याशी सोमेंदु अधिकारी के समर्थन में चुनावी प्रचार किया। इस दिन भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तृणमूल कांग्रेस पर जमकर आक्रमण किया। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी के घर पर हुए छापेमारी की कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि BJP नेताओं के घर पर छापेमारी में कुछ बरामद नहीं होता, पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के घर छापेमारी में 51 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। पश्चिम बंगाल के 42 लोकसभा केंद्रों में पांचवें चरण का मतदान समाप्त हो चुका है और अगले 2 चरण का मतदान अभी बाकी है। इसी बीच प्रधान विरोधी दल BJP नेताओं के घर पर राज्य पुलिस की तलाशी को लेकर BJP के राज्य नेताओं से लेकर केंद्रीय नेता क्षुब्ध हैं। मंगलवार की रात कोलाघाट स्थित विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के रेंट हाउस पर पुलिस ने छापेमारी की। वहीं दूसरी ओर घाटाल लोकसभा केंद्र से हिरण चटर्जी के पर्सनल असिस्टेंट के घर पर छापेमारी की गई। हालांकि इस छापेमारी में कुछ भी बरामद नहीं हुआ। छठे चरण के 72 घंटे पहले चुनाव आयोग ने फिर पश्चिम बंगाल के 2 IAS अधिकारी को ड्यूटी से हटाया। मुख्य चुनाव आयुक्त ने शिकायत के आधार पर यह निर्णय लिया। इस बार चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए अधिकारियों में बशीरहाट के ADM दिव्य लंगनाथन और दक्षिण कोलकाता की रश्मि कमल शामिल हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए पब्लिक टाइम्स, योर वॉइस आवर मिशन। नमस्कार। राज्य से जुड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय श्री श्याम एग्रो बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड, चक्की फ्रेश आटा, आटा माने ही श्याम एग्रो आटा। विजुअल एड हो या डिजिटल एड, पब्लिक टाइम्स आपके लिए लेकर आया है पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क। यहाँ एक्सपर्ट ग्राफिक डिजाइनर की गाइडलाइन में बनाए जाते हैं विजुअल और डिजिटल एड बिल्कुल रीजनेबल रेट पर। सो कॉन्टैक्ट पब्लिक टाइम्स एड मेकिंग डेस्क, कॉन्टैक्ट नंबर 9332185842। आप हमसे ईमेल आईडी के जरिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है publictimes2011@gmail.com। शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी खबर कभी भी कहीं भी देखने के लिए हमारे पब्लिक टाइम्स न्यूज चैनल को YouTube पर करें सब्सक्राइब।